वेलकम बैक एंड यू वॉचिंग क्लब ट्रैप। वी आर बैक अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिस इज वन मोर मेगा एपिसोड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर यूनिट्स। टुडे वी आर इन बठिंडा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ पंजाब एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोर्स ऑफ इंडिया, बिकॉज एवर सिंस 1965 दे हैव बीन इन टू फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर यूनिट दैट इंक्लूड्स मॉडर्न क्लासिकल, classical of luxury segment, and of course French classic. These are the three themes we will be primarily focusing upon, and then we'll show you some of the modern contemporary home furniture as well. They have got more than 60,000 square feet area available with them, so whenever you are coming here, make sure that you come with ample of time. There are some showstoppers. There are some very very regular but very timeless beauties they have been selling from last 4 or 5 years. And we'll explore one after another. We are meeting the gentleman who is experienced with 30 years in furniture manufacturing. ये देखिए संजीव जी, ये प्योर एमपीटी कोड है, हमें कहीं भी वाइटनेस नहीं है। ये हमारी वर्कशॉप है, ये देखिए किसी का ऑर्डर है, सारा डाइनिंग है। लोग ना प्लाई के यूज करते हैं। घंटे में से जी 6 घंटे फैक्ट्री में रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक प्रोजेक्ट है। हाँ जी हाँ जी, ये ना किसी होटल का प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये देखिए। ओह ओके, ये लेदराइट है जी, डबल शेड में लेदराइट है। राइट जी, ये देखिए इसको पॉलिश की हुई हमने। हेलो रमनिक जी। हेलो संजीव जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। अगर आप मुझे अलाउ करें तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को आज दे दें। थोड़ा सा लगभग 2-2.5 साल पहले आपने मुझे फोन किया था, उसके बाद तीन साल हो गए। तीन साल और 3 ईयर्स वी हैव बीन शूटिंग विद रमनिक जी। द नेम ऑफ द कंपनी एज वी ऑल नो इज क्लासिक फर्नीचर जी। और हमने 2-3 चीज़ें हर एपिसोड में, हर बार वो चीज़ें कहते हैं और कुछ चीज़ें नई भी ऐड हो जाती हैं। जैसे हमने कहा था कि यू नो हाउ टू बेंड द ट्रेंड। मतलब एक ट्रेंड है कि दिल्ली से फर्नीचर पूरे इंडिया में जाता है, लेकिन आपने एक ट्रेंड को बेंड किया। हाँ जी, और भगवान आप बठिंडा से, बठिंडा से मेरा दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका, हर जगह जा रहा है जी। राइट, भगवान की कृपा से। और अक्सर बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बिकॉज हम सिर्फ क्वालिटी में ही डील करते हैं, ओनली क्वालिटी। एंड रमनिक जी इज़ वन ऑफ दोज रेयर स्पीसीज दैट इज़ फाउंड एवरीवेयर। जब भी आपसे बात करते हैं, या तो आप हैदराबाद होते हैं, या बॉम्बे होते हैं, या चेन्नई होते हैं, या बैंगलोर होते हैं, काम के सिलसिले में फैमिली मेंबर्स आपको हर जगह बुलाते हैं। हाँ जी, है ना। और मैं जाता भी और आप जाते भी हैं। तो इस तरह से आप पूरा इंडिया, पैन इंडिया कवर करते हैं। थर्ड थिंग जो आपके बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यू आर द फर्स्ट वन जो इंडियन फर्नीचर को इंटरनेशनल फोरम में लेके गए। हाँ, मेरा भी काफ़ी बहुत जगह भेजा बाहर इंडिया के। हाँ, और इवन आज ही मेरी एक ऑस्ट्रेलिया के कोई शॉपकीपर है, उनसे अभी मेरी बात चल रही है, उनके साथ आज मेरी मीटिंग थी। अच्छा, तो बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से शायद वहाँ भी अपना शोरूम खुले। राइट, क्योंकि 2 ट्रिप ऑलरेडी आपने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कर ली। जी, एक ट्रिप आपका अभी सिंगापुर होने वाला है। अभी मैं जा रहा हूँ। आप इसके अलावा और भी कई डिफरेंट कंट्रीज में थे, टर्की में भी आप थे। राइट, चलिए, तो दिस इज थर्ड वन। मतलब एक तो आपने ट्रेंड सेट किया, दूसरा आप पैन इंडिया सर्व करते रहे, फोर्थ आप इंटरनेशनल भी करते रहे, फिफ्थ जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था फ्रॉम द डे वन। मुझे याद है फर्स्ट एपिसोड हमने जब अपलोड किया था, अच्छा जी, तभी से लोगों ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया था एज अ डिफरेंट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर जी, समबडी हु पेज एवरी सिंगल अटेंशन टू द डिटेल दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ फर्नीचर यूनिट। क्योंकि मैं अपने फर्नीचर में खुद मेहनत करते हैं। उसका ऐसे नहीं है अभी कारीगर को बोल दिया या सुपरवाइजर को बोल दिया अभी आप चेक करो, ये करो, वो करो। मैं खुद उसमें डीप तक जाता हूँ, पूरे अंदर तक जाता हूँ, और मुझे होता है भी अलग से अलग डिजाइन हो। ओके, और सबसे बड़ी बात है मेरी जो लकड़ी तो प्योर एमपीटी को होगी। राइट, मतलब मेरा एक में वो है अभी मेरा काम क्वालिटी वाला होगा। जस्ट ठीक बात। हमने आपके साथ ग्रीन, रोज गोल्ड, ब्राउन, बेज, ब्लू, आपने इतने सारे कलर इन्वेंट किए, ये भी एक यूएसपी आपकी। हाँ, की कार्विंग में आपने इतने सारे कलर्स इन्वेंट किए, आपने कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट बनाए। मैंने आज भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्या हम जैसे कहते हैं मास प्रोडक्शन फर्नीचर से हटके होता है ये जी। ये मैन मेड चिजल्ड वुड फर्नीचर होता है, इसमें हर सिंगल एमएम का सेंटीमीटर का हिसाब रखा जाता है। अगर वो मिस्टेक होगी तो आपके प्रोजेक्ट खराब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स प्रोक्योरमेंट ऑफ वुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट काइंड ऑफ फैब्रिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन देयर इज अ रीजन आप शायद डिजाइन प्रॉपर लेते हैं। 2 कस्टमर अभी बैठे थे वहां पे, आप उनसे वही बात कर रहे थे कि प्रॉपर एमएम के रेशियो में आपको डिजाइन चाहिए थे। बिल्कुल जी, है ना, बिल्कुल। और फर्नीचर क्या होता है जी, फर्नीचर में एक प्रपोर्शन चाहिए। Right. वो पंजाबी में कहते हैं भी हर चीज में अकल भी हो, शक्ल भी हो।
दोनों चीजें होनी चाहिए तो चीज खूबसूरत बनती है। बिल्कुल, अगर रेशियोस गलत होंगे तो गलत हो जाएगा। या जी, तीन चार फैक्ट्री है मेरे पास, 202 आदमी काम करते हैं ऑलमोस्ट, जो फैक्ट्री वाले हैं। यहाँ पे तो जो ऊपर स्टाफ है वो तो है जो फैक्ट्री में है, क्योंकि मेरा सारा खुद का इन हाउस प्रोडक्शन है। आप जो भी साइज बोलो, जैसे भी बोलो, जो भी स्पेसिफिकेशन हो, सारा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। मेरे पास ये 60,000 स्क्वायर फीट एरिया डिस्प्ले का, 60,000 बाय गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से। चलिए जर्नी नाउ, एक और लास्ट इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम एक हमारे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है भरत बीजे, एट भरत बीजे उनकी आईडी है। ओके जी, उन्होंने हमको कहा था कि आपकी स्पेशलिटी है क्लटर की, कि हम टेक्निकलिटीज बताते हैं, डिटेल बताते हैं, ताकि किसी को फर्नीचर गलत चूज ना हो जाए। बिल्कुल 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 जी, तो हम एस्थेटिक्स से थोड़े फीडबैक देंगे जितना हमें पता है, मटेरियल के फीडबैक हमने एक चीज़ से लेंगे, और हम पूरे प्रोसेस में बताएंगे कि फ्रेंच क्लासिक क्या है, मॉडर्न क्लासिक क्या है, और लग्जरी सेगमेंट क्लासिक क्या है। राइट, चलिए, तो अब बहुत सारे यूनिट्स हैं। हाँ रमनिक जी, ये देखिए जी, पहले बेड आपको दिखाता हूँ मैं, फ्रेंच क्लासिक दिखाएंगे। देखिए फ्रेंच की स्पेशलिटी है, चलिए फ्रेंच से स्टार्ट किया, तो फ्रेंच की स्पेशलिटी बताते हैं। इसमें बहुत सस्पेंडेड एक बड़े ऑब्सिलिस्क शेप में ऐसे पिलर्स होते हैं हमेशा, ये इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। बताइए ये संजीव जी, इसकी आप पॉलिश देखिए, दिस इज अ डिस्ट्रेस पॉलिश इन वाइट जी, ठीक है जी। और अब इसका काम देखिए, वर्कमैनशिप देखिए आप। राइट, अभी हमने इसको ये अपना ऑफ वाइट के साथ ब्लू के साथ किया हुआ। राइट, ठीक है। ये है एक फोर पोस्टर बेड जो कि फ्रेंच क्लासिक में है, जैसे हमने कहा, इनके अंदर काफ़ी सारे लंबे पिलर्स होते हैं, अब परपेंडिकुलर या फिर नीचे की तरफ जी, क्योंकि अगर कंसोल है तो ये रिवर्स होते हैं, और फ्रेंच क्लासिक में अगर ये बेड पे हैं तो ऊपर की तरफ होते हैं, इंस्पायर्ड बाय दी फ्रेंच शैंडलियर्स। ओके, और बाकी थोड़ा सा मटेरियल के बारे में आप हमें बता दें कि जो इसके अलावा क्या है इसमें मटेरियल, जो मटेरियल तो जी मेरा जितना भी फर्नीचर बनता है, मैंने पहले भी आपको कहा था, मेरा सारा MPT वुड में होता है, ठीक है, प्योर टीक वुड में होता है, और मैं आपको अपने आज का आज आर्टिकल भी दिखाऊंगा जो प्योर टीक वुड में है, रॉ में दिखाऊंगा आपको मैं, और उसके एंगल दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वो हम बिगनिंग ऑफ द वीडियो दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। फ्रेंच क्लासिक की एक और हम पहचान बता दें, काफ़ी सारे लोग हैं जो ओरिएंटल बोल रहे हैं उसको, मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन ओरिएंटल लेग्स नहीं होते, ये फ्रेंच लेग्स होते हैं। हाँ, ओरिएंटल तो ऐसे होते हैं जो पहले चलती थी, आज से 20 साल पहले। राइट, ये देखिए, ये इसके साइड टेबल्स हैं दो, वेरी कंफर्टेबल, वेरी एयरी, क्योंकि जो फोर पोस्टर बेड हैं उनमें बहुत हैवी, ये मॉडर्न और क्लासिक को मिक्स किया होता है। राइट, चलिए, और फैब्रिक जो है वो है हमारा स्वेड जी। चलिए नेक्स्ट कहाँ चलेंगे अभी हम, आइए। ऑलराइट, कुछ चीज़ें इधर भी और दिखा दें हम, जैसे कुछ अब देखें यहाँ पे मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी, ये मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी डिजाइन का सोफा है। ये क्या क्या मटेरियल है, ये वुड है रियल या ये सारी है? या संजीव जी, ये सारी वुड है एंड दिस इज इन सिंगल पीस। अच्छा, ये जो इसका ये कर्व दिया हुआ है ये सिंगल पीस है, कहीं ज्वाइंटिंग नहीं, आप देखिए जी, दिस इज सिंगल पीस, और इसमें लकड़ी बहुत वेस्ट होती है। राइट, ये अगर इसके थीम की बात करें तो 322 का ये जो पूरा इंटायर सेट है विद ऑनेक्स टेबल, दिस इज ऑल्सो द न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी, वेरी नाइस सोफा सेट, वेरी क्लीन है ना, काफी अच्छा है ये। चलिए विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, एंड हमने शुरू में पूछ रहे थे आपसे कि आप कौन कौन से यूनिट रखते हैं, एक बहुत पॉपुलर चेयर्स हैं वो भी देख लें एक बार। हाँ, ये तो मेरी बहुत बहुत कुर्सी सेल होती है, मतलब मैक्सिमम सेल है इसमें, ये जी लॉयन चेयर है ये मेरी, इसके साथ का मैंने किसी के साथ सोफा भी बनाया हुआ, आपको दिखाऊंगा जी, मतलब चेयर्स के साथ का सोफा भी है। ऑलराइट, रेडी है। अब ये जो डिजाइन है, जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे रमनिक जी, इनको आप ना छोटा नहीं कर सकते, ये शेप खराब हो जाएगी फिर इसके। बिल्कुल, ये जैसे फर्नीचर होता ना इजिप्ट में। अच्छा, ये इजिप्शियन है? यस यस। ओह ओके, तो इजिप्शियन क्लासिक है इसको कह सकते हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज अ राइट टर्म, पर अच्छा टर्म दिया आपने, इजिप्शियन क्लासिक। ये इजिप्ट में आपने देखा नहीं इनकी, वो जिनको वो मानते हैं मेरे ख्याल से, वो उनकी ये होती है, वो पिरामिड्स के ऊपर किंग्स एंड क्वींस के होते हैं, इजिप्शियन किंग्स में होते हैं वो। यस यस, वो राइट राइट। चलिए ठीक है, डन। ऑलराइट, ये भी प्योर वुड में, सॉलिड वुड में, मेरा सारा वुड में है जी, कोई फाइबर नहीं होता मेरे पास, कोई रेजर नहीं होता, प्योर MPT वुड। चलिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा जस्ट क्वालिटी का काम है। ओके डन। आज हम ना फैब्रिक के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि कुछ एक तो सरप्राइज पैकेट भी अंदर, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जी। क्लासिक फर्नीचर जितने भी होते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस होते हैं, और ये जनरेशन से इनहेरिट करते हैं, जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो जितना अटेंशन हम वुड के ऊपर देते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर देते हैं, उतना हम सीटिंग एंड फोमिंग के ऊपर भी देते हैं, सीटिंग, फोमिंग, पॉलिशिंग, सारा कुछ होता है जी। राइट, अब जैसे ये जो मेरे कुशन होते हैं, मेरी दुकान पे जो भी कुशन होगा वो सारा रबराइज होगा, PU का। अच्छा, मैं कोई वो स्लीव वेल या कोई जो फॉर्म नहीं यूज करता। राइट,
सारा इसमें सॉरी प्लीज प्लीज गो अहेड, फिर हम बताएं। सारा इसमें पीयू का कुशन होगा और इसमें वेट होता है, जंप होगा इसमें। अच्छा, और मेरे जो पीछे बैक पे फॉर्म होती है वो भी रबराइज होती है। राइट जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि स्लीपवेल हैज बिकम एक्रोनिमस टू इज काइंड ऑफ अ सिनोनिम टू क्वालिटी, लेकिन स्लीपवेल इज नॉट अ सिनोनिम टू क्वालिटी। उसके अलावा बहुत सारे और भी अपग्रेडेड वर्जन आते हैं। देखो जी, जो फर्नीचर में सही यूज होना चाहिए वो दैट इज जस्ट अ फॉर्म। फॉर्म क्या होती है, एक तो हीट पैदा करती है, फॉर्म इज अ स्पंज। जैसे वो अपन घर पे कह देते हैं ना, कई बार भी वो स्पंज बर्तन साफ के लिए वो हीट पैदा करती है। राइट, जो रबर होती है एक्चुअल फर्नीचर के लिए रबराइज ही यूज होती है, जो आज से 20 साल पहले होती थी एमएम फॉर्म। राइट, एमएम फॉर्म का कितना नाम था। बिल्कुल, तो ये फॉर्म एक्चुअल जो फॉर्म होती थी वो यूज होती थी बैक के लिए। ठीक है, फिर उसकी पहले एक इंच की लेयर बनती, फिर दो इंच, अब उसके कुशन बनने लगे, मैट्रेस बनने लगे। बट स्लीवेल का नाम बहुत है, बट अकॉर्डिंग टू फर्नीचर जो सही लिटरेचर है, जिसको काम के बारे में नॉलेज है, जिनकी खुद की फैक्ट्रीज है, वो कोई अच्छा दुकानदार, कोई भी, नॉट मी, जो भी है वो फॉर्म नहीं लगाएगा, वो रबराइज लगाएगा, पीयू लगाएगा अच्छे वाला। Exactly. वो भी अच्छे वाला जिसका जंप होगा। ये नहीं है भी कोई भी पीयू अच्छी होती है। ठीक बात है, और उसकी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। उसकी लाइफ भी अच्छी होती है। चलिए इसके बारे में बताएंगे। अब ये देखिए संजीव जी, ये एक डाइनिंग है। आप इसको डाइनिंग को देखिए। दिस इज प्योर लेदर, कैन यू बिलीव इट, प्योर लेदर। दिस इज प्योर लेदर, और ये मैंने कपड़ा टर्की से मंगवाया। अच्छा, और ये चीज देखिए, ये 6 कुर्सी इसमें अपना लाइनिंग वाली है और 2 कुर्सी फ्लैट्स वाली है। अच्छा, दिस इज अ एंटीक टाइप। ओके, जिसको एक हैवी में चाहिए, दिस इज एक्चुअल फर्नीचर, एक्चुअल डाइनिंग सेट। और ये एक पीस है, क्योंकि लेदर इतना ही मिले था, ये फर्स्ट एंड लास्ट। ऑलराइट, या तो लेदर के ऊपर प्रिंट किया जाता है। लेदर के ऊपर प्रिंट है ये। ओके, कंपनी ने बनाया था। और आप इसको बिलीव नहीं करोगे, ये 10,000 per meter है का जो फैब्रिक है। फिर जो फैब्रिक है, ओके, 10,000 per meter। ऑलराइट, नहीं, आई कैन ट्रस्ट, बिकॉज आई हैव सीन जेन्युइन लेदर फॉलिंग इन द सेम कैटेगरी और सेम प्राइस। आप इसका दिखाइए, पीछे से दिखाइए, आप इसकी लेंथ दिखाइए। मतलब ये लास्ट पीस है, और ये सारा इसके ऊपर जो टॉप है ये पोलिस्टर है। अच्छा, अगर किसी को चाहिए भी ऊपर मार्बल रखना है तो मार्बल भी रखा जाएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज इन सेमी ग्लॉस। ठीक है जी, डन। 8-seater है ये, स्पेशली फॉर द पीपल जिनके घर बहुत बड़े होते हैं और 8-seater उनको चाहिए, उनके लिए परफेक्टली सूटेबल है ये। चलिए, एंड दिस इज फॉर द पीपल दोज आर लुकिंग फॉर स्मार्ट पीसेस। ये उनके लिए है जो मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी है, उनके लिए है, स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में एक वो सेट भी अच्छा है। चलिए, वेयर आर वी गोइंग नाउ, अब कहाँ चले। ऑलराइट, लेट्स गो, अनकट चलेंगे। और ये वाला हमने लास्ट टाइम फीचर किया था, इसकी डिलीवरी एक सेट की हो गई थी। नहीं, अभी भी ये मेरा ऑर्डर पे है जी, गोवा जाना है। अच्छा, ये तो मेरे ऐसे है ना, मतलब ये मेरे बनते रहते हैं, ये मेरे शोरूम का डिस्प्ले है। अच्छा, इसके साथ का मेरा गोवा के लिए बन रहा है। मतलब दिस इज माय ज्वेलरी सेट, ये मेरे कुछ सेट ऐसे हैं जो मेरे पास हमेशा डिस्प्ले में होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले बता दिया आपको कि फ्रेंच क्लासिक है, फ्रेंच क्लासिक में आपको लंबे लंबे पोल्स दिखाई देंगे। ये लग्जरी क्लासिक है, लग्जरी क्लासिक में आपको साइज बड़े दिखाई देंगे, जो कि टर्की ने अडेप्ट कर लिए, इसीलिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टर्की रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये लग्जरी क्लासिक में बोलते हैं इनको जी। वैसे तो ये गोल्ड पॉलिश हुआ करते थे, पर रमनिक जी अकेले हैं जितने मेरी नॉलेज में जो किसी भी कलर पॉलिश को अचीव कर सकते हैं। हाँ, मैं अकेला गोल्डन पे नहीं जाता, मैं हर के साथ जाता हूँ। कोई भी कलर पॉलिश कर लेते हैं आप जी, फिर उसको मैं सजाता हूँ। मैं एक्चुअल हम फर्नीचर को, घर को सजाते हैं, बरते नहीं है। अब ये देखिए, इसका इसके साथ का डाइनिंग है। अब ये वाला इसके साथ का स्विंग है। अब मुझे कहना नहीं चाहिए स्विंग का काम इतना हैवी काम, मेरे पास आपको 10 स्विंग मिल जाएंगे। मतलब मैं हर सेट के साथ स्विंग रखता हूँ जी। ठीक बात है, और ये मैंने कंसेप्ट शुरू किए थे सारे। राइट, तो इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक पूरा का पूरा ड्राइंग रूम सेटअप है, विद 2 end tables, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल। और इसके साथ का मेरा एक ऑर्डर है, गोवा में है मिस्टर चौधरी, उनके इसके साथ की वो भी बन रही है, अपना ये क्रॉकरी मीरा भी बन रही है। अच्छा, चलिए ठीक है सर, इसको अगर बेड में भी कन्वर्ट करना हो तो ऑफकोर्स पॉलिश है तो आप अचीव कर ही लेंगे। मैं बेड को भी इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। डिजाइन जो बेड का पार्ट है, ये वाला बेड पार्ट का बनेगा जी। अच्छा, हेड साइड उसकी ये बनेगी, जो सोफा का बेड बेड जो सोफा का ये वाला पार्ट है ये हेड साइड बनेगी। ओके, जो ये वाला पार्ट है ये उसकी फुट साइड बन जाएगी। ऑलराइट, चलिए, ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। और अब हम देखेंगे अल्ट्रा लग्जरी मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी। ये विनियर में अल्ट्रा मॉडर्न, ये अल्ट्रा मॉडर्न है जो कॉन्टेम्प्रेरी होम्स लोग बनाते हैं। ये विनियर प्लस, दिस इज यू नो स्टील एंड दिस इज पीवीडी।
अच्छा एंड इन ब्रश गोल्ड. ओके ये देखिए आप इसका कर्व देखिए, दिस इज सिंगल पीस राइट. और ये सॉलिड मेटल होता है ना, ये तो सॉलिड मेटल है ये. ठीक बात है, उन लोगों के लिए जो ये मेटल है जो मॉडर्न हाउस बना रहे हैं अभी उनके लिए है ये. ये सेंटर टेबल देखिए, मेरा जो मॉडर्न होगा वो भी हटके होगा. मतलब मेरी कोशिश होती है भी डिजाइन सब अलग से अलग हो. बिल्कुल, ये देखिए सेंटर टेबल, ये नाइस. ये अच्छा, दो अभी में? अभी संजीव जी ये हमने ना स्टैचू का भी किया ये. अच्छा ये देखिए, अच्छा आठ पीसेस में, हम आठ पीसेस में. हाँ जी ओके. फिनिशिंग देखिए इसकी भी, आप काम देखिए. ये इम्पोर्टेड है? इंडियन. इंडियन है? कोई भी साइज लो बनेगा. अच्छा अभी इसका मेरा काफी माल ना डिस्प्ले हो रहा है. दिस इज अ प्लांटर एक्चुअली. प्लांटर ओके. चलिए मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी की स्पेशलिटी बताते हैं. इनमें मेटल का यूज होता है और इसके अंदर वेनियर लगता है. ये थोड़े से हाई ग्लॉस होते हैं, इनको मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम्स में लगाते हैं. और साथ में इनके साथ आप यूज करते हैं काफी सारे लूवर्स या वॉलपेपर्स या फिर स्टोन भी यूज कर सकते हैं आप इसमें. ये है मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी. चलिए विल गो फर्दर नाउ. और अब इस फ्लोर पे क्या है? इस फ्लोर पे ये सारा देखिए जी, कलर पॉलिश आज आप हमें सारे दिखा दीजिए. आपने हमें दिखाया गोल्ड, एक गोल्ड हमने मिस कर दिया, एक बार देख लेंगे ये वाला गोल्ड. एक हमारे पास ये गोल्ड है, ये कौन सा गोल्ड है रमनीक जी? शैंपेन गोल्ड है या प्योर गोल्ड है? ये समहाउ प्योर गोल्ड में कुछ मिक्स है जी. अच्छा ब्राउनिश मिक्स है कुछ. चलिए तो एक फर्स्ट हमने फ्रेंच यूनिट देखा था जो डिस्ट्रेस फिनिश वाइट था, फिर हमने देखा रोज गोल्ड, फिर हमने देखा गोल्ड, उसके बाद में कॉपर. अब ये देखिए ग्रीन में. अच्छा ग्रीन एंड गोल्ड ये देखिए. मतलब मेरी कुर्सी के बैक पे भी कार्विंग है. फ्रंट पे तो कार्विंग होती है, बैक पे भी कार्विंग है सारी. ये देखिए चलिए, ये भी लग्जरी क्लासिक में है पूरा. काफी हैवी कार्विंग होती है तो ये लग्जरी कार्विंग में आता है, ये लग्जरी क्लासिक में. वाओ मार्बल देखिए आप इसका, इम्पोर्टेड एग्जॉटिक मार्बल है ये जी. नाइस. अच्छा क्या साइज है इसका? ये है जी 6x3.5. अच्छा प्राइस कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, प्राइस के बारे में हम क्या कहते हैं हमारे व्यूअर्स को? देखिए जी प्राइस एक्चुअल क्या है संजीव जी, मेरा काम है थॉरली क्वालिटी जी. तो मेरा प्योर एमपीटी गुड है. अब जैसे ये कुर्सी है सपोज, एक मिनट आप नजदीक आइए, इसमें जो मेरा ये ऊपर वाला पार्ट है ये देखिए, कहीं भी ज्वाइंटिंग नहीं है. अगर आप इसमें ज्वाइंटिंग लगा देंगे तो सस्ता हो जाएगा. ठीक बात है. फिर मेरे कुर्सी का साइज देखिए आप. राइट मतलब मैं क्वालिटी वाला काम करता हूँ, बस जस्ट क्वालिटी. चलो ओके. सो फॉर प्राइस डिटेल यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद रमनीक जी. ये एक हमारा शुरू से कल्चर है रमनीक के साथ में कि वो प्राइस फोन पे बताते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम हमने फेस की थी. डिज़ाइन दिखाते दिखाते बात करेंगे. ये भी पॉपुलर डिज़ाइन में से एक है, वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन. ये बहुत पॉपुलर है और ये डेली में भी काफ़ी सारे लोगों ने बनाने की कोशिश की. काफ़ी सारे लोग बना पाए, काफ़ी सारे लोग मोस्टली लोग इसको नहीं बना पाए. द थिंग इज़ अ प्रोपोर्शनल. और साइज देखिए 4x8x4 है. और मेरे जो भी इसमें होगा नेचुरल ऑनिक्स है. राइट right. कोई सिंथेटिक ऑनिक्स नहीं है, कुछ नहीं है. बिल्कुल. ये हम पिछले कुछ दिनों हम देख रहे हैं बहुत फ्लो है लोगों का, ऑनिक्स एंड रियल ऑनिक्स में लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं. जितने भी हमारे फेलो मेकर्स हैं, वीडियो मेकर्स, उनको भी हम बोलते हैं कि प्लीज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें. जब भी आपके पास कॉम्पोजिट ऑनिक्स दिखे तो कॉम्पोजिट ऑनिक्स ही उसको बोलिए. बिल्कुल ऑनिक्स मत बोलिए, क्योंकि कॉम्पोजिट ऑनिक्स में और रियल ऑनिक्स के प्राइस में कई टाइम का फर्क होता है. मुझे काफी सारे लोगों ने वीडियो में मुझे पूछा कि सर ये बता रहे हैं वीडियो में संजीव जी सिंथेटिक ऑनिक्स इज फॉर 800 पर स्क्वायर फीट, अराउंड 800, 830, 900 सब तक कुछ ऐसा है. ये पत्थर 2500, 2700, 3000 के करीब. बिल्कुल ये नेचुरल एक्चुअली क्रिस्टलाइज फॉर्म ऑफ नेचुरल होता है. मदर नेचर का क्रिएशन है, फैक्ट्री मेड नहीं है. इसमें आपको हमेशा क्रिस्टल दिखेंगे और ये लग्जरी का प्रॉपर सिंबोलिज्म है. ये मशीन मेड फैक्ट्री मेड नहीं है. और इसमें जितने स्लैब साइज बड़े होते जाएंगे ना रमनीक जी, ये साइज उतने ही महंगे होते जाएंगे. कभी भी आप इसको 2 फीट 4 फीट के पीस में नहीं खरीद सकते. अगर आप इसका छोटा पीस भी लेने जाएंगे ना इनके सेंटर टेबल्स, तब भी आपको पूरा स्लैब लेना पड़ेगा. ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे कि टाइल्स एंड मार्बल में होता है जी. राइट इसीलिए इनके सेंटर टेबल बहुत महंगे होते हैं जी. आप मानते हैं जी? चलिए आज मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आई एम सो सॉरी. हम क्विकली एक दो चीज़ें और दिखा दें. पॉलिश में डुअल एक्सेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये फ्रेंच में कम होता है, मॉडर्न क्लासिक में सॉरी लग्जरी क्लासिक मॉडर्न लग्जरी क्लासिक में ज़्यादा होता है, जिसमें कि दो एक्सेंट होते हैं पॉलिश के, जैसे इसमें किया हुआ है. एक और पॉलिश दिखा दूँ मैं रमनीक जी उधर हैं. एक और कलर पॉलिश देखिए यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ग्रीन कलर पॉलिश, वेरी ब्यूटीफुली कलर कोऑर्डिनेटेड विद फैब्रिक. ये भी ये कलर जो है ये फ्रेंच क्लासिक का है और जो डिज़ाइन है पैटर्न है वो पूरा का पूरा लग्जरी क्लासिक में है. एंड
दिस इज कॉम्पोजिट। तो आपने देखा ये फ़र्क होता है दोनों में। तो हम प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को कहेंगे कि जब भी आप कॉम्पोजिट लेने जाएं तो कॉम्पोजिट में और नेचुरल ऑनिक्स में फ़र्क को समझ लीजिए। प्राइस में कई टाइम्स का फ़र्क होता है। ये जो पर्टिकुलर सेट है ये है नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल में चेयर्स काफ़ी राउंड राउंड होते हैं, इनमें फ्लोरल पैटर्न्स पेटल्स कम होते हैं और ये राउंड ज़्यादा होते हैं। ये नियो क्लासिकल है, रेगुलर पीस रहता है। ये नया अराइवल है, फ्रेश अराइवल। ये देखिए, ये है टर्की लग्जरी क्लासिक हैवी कार्विंग के साथ ना। हाँ, इसी के साथ का ये डाइनिंग हमने इंट्रोड्यूस किया है। ओके ओके। अब देखिए डुअल पॉलिश का भी रमनिक जी दो तरह से होती है। एक होती है कि जब आप एक सिर्फ एक्सेंचुएट करते हैं, एक हल्का सा ब्रश करते हैं। एक होता है जब आप एक पार्ट को पूरा प्रोमिनेंटली एक दूसरे कलर से ऑपोजिट कलर से करते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं मर्ज नहीं हो रहे हैं दोनों। नहीं, वो पहले हम सपोज नीचे वाला कलर किया, जब हम ऊपर वाला कलर करते हैं नीचे वाले को सारे को पैक करते हैं। अच्छा। पैक करके फिर ऊपर वाला करते हैं। ओके। ऐसे ऐसे काम होता है जो इस पॉलिश का काम डबल काम होता है। जी ठीक है। अब ये डिजाइन देखिए आप कितना अच्छा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा डिजाइन है। साइज ऑल्सो मैटर्स। हम लोग अभी दो चीजों पे और बात करेंगे आज आपसे। बात करेंगे हम फैब्रिक को लेके और स्केल्स को लेके। लग्जरी फर्नीचर जितने भी होते हैं, क्लासिक हो या मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी, जितने लग्जरी होंगे वो साइज में बड़े होंगे, दे कैन नॉट बी स्मॉल। यस, है ना। यस yes. फिर हम फैब्रिकेशन पे भी बात करेंगे कि जो कारीगर का हाथ का काम होता है उसकी सफाई ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, है ना। वर्कमैनशिप तो होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबकी होती है। तो लग्जरी सेगमेंट में जैसे थ्री सीटर जाता है, व्हाट इज द साइज ऑफ मेरा 8 फीट थ्री सीटर साइज होगा। ऑलमोस्ट 8 फीट होता है। ओह ओके। अब ये सोफा है संजीव जी, इसी के साथ का ये मैंने डाइनिंग बनाया है। एग्जैक्ट ये देखिए, सेम। अच्छा, सेम ये डाइनिंग है। सुपर। पॉलिश से मैच किया है, कार्विंग से मैच किया है? नहीं नहीं, सारा ही मैच है ये। पॉलिश, ये सारा कुछ, क्लॉथ, फैब्रिक, डिजाइन, सारा कुछ मैच है। वेरी नाइस। ये देखिए, ये लगने के बाद बहुत अच्छे दिखते हैं जब अपने एक जगह पहुंच जाते हैं ना ये। यस। और ये सारी कुर्सी में आर्म्स है। ऑलराइट। ये सारा इसी का पार्ट है, ये सोफे का पार्ट है। ओके जी। जैसे हम बता रहे थे कि ये है लग्जरी क्लासिक फर्नीचर। जी, क्लासिक इन द लग्जरी सेगमेंट। जी, फ्रेंच क्लासिक भी होते हैं लग्जरी में, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं साइज में, ज़्यादा कार्विंग होती है वो हैं। और फैब्रिक हमने क्या स्वेड यूज़ किया है यहाँ पर, टेक्सचर्ड? ये सारा जकार्ड है जी। अच्छा, जकार्ड है। हाँ, जो कार्विंग के सोफे, अच्छे सोफे होते हैं लग्जरी, उसमें सब में जकार्ड होता है। अच्छा। हाँ, डन। और ये पैच मेरे ख्याल से तो एक ही सिंगल पीस आता है ना इसका? ये सिंगल पीस है जी, ये बनवाया हुआ इसी में से काट के। ये देखिए। अच्छा, यही तो वर्कमैनशिप है, यही तो मैं कह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके ओके। ये जो है इसी में से काट के इसको हमने बनाया हुआ। अच्छा, आई लाइक दैट आइडिया। ओके। अच्छा, एक चीज और देखिए, आगे इसके ये बनाया हुआ है, बैक पे इसके हमने वो बनाया हुआ है जो हमने सोफे के कुशन में दिया है। अच्छा, वो देखिए, यूनिफॉर्म में काम होता है सारा, जो कुशन के ऊपर है राउंड कुशन में। यस yes, वो हमने यहाँ दिया है, वो इसमें दिया पीछे। और अच्छा, और इसमें ये हमने ये कार्विंग दी है। ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ हार्मनी बिटवीन टू डिफरेंट फर्नीचर यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ कार्विंग, पॉलिश, फैब्रिक एंड ऑफ कोर्स एक्सेंचुएटेड कलर्स। अब ये देखिए आप इसका, ये डाइनिंग टेबल देखिए। वेरी नाइस। ये काम देखिए आप इसका, बॉर्डर देखिए, नॉर्मल बॉर्डर नहीं बनता। ये बॉर्डर है इसमें। एंड दिस इज ऑल्सो नेचुरल ऑनिक्स। राइट। एंड लार्ज साइज स्लैब वंस अगेन, तो ये ओरिजिनल स्लैब है। एंड प्लीज़, हम अपने जितने भी फेलोज होते हैं, जितने भी हमारे जहाँ पे हम शूट करते हैं, उन सबको भी बोलते हैं कि जब भी आप बात करें ऑनिक्स की, प्लीज़ इन्फॉर्म कंज्यूमर विद राइट इन्फॉर्मेशन। इफ़ इट इज़ ऑनिक्स देन से ऑनिक्स, इफ इट इज़ कॉम्पोजिट प्लीज़ मेंशन कॉम्पोजिट ऑनिक्स। प्लीज़ डू नॉट कंडक्ट एनी काइंड ऑफ अ फ्रॉडुलेंट, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप क्या कर रहे हैं? ये मैं कुर्सी निकाल रहा था इसका पॉलिथिन। Very अब nice. ये देखिए आप इसकी लेग्स देखिए आगे। ये जो लेग्स हैं ये सोफे के साथ मैचिंग है, सेंटर टेबल के साथ मैचिंग है। ये देखिए आप इसका, ये प्रोट्रूडेड पार्ट है आगे की तरफ निकला हुआ है। यस, इसको फर्नीचर कहते हैं, इसको काम कहते हैं, इसको वर्कमैनशिप कहते हैं। अच्छा, यू कैन एक्चुअली हैव मैच्ड दिस। हां, बिल्कुल सोफा वाला डिजाइन मैच कर दिया इसमें। मैंने आपको यही बोला है, मेरे पास सारे कंसेप्ट मिले। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, सोफा वो मतलब आप देखोगे कुछ है। अच्छा, मतलब फर्नीचर में हम कहते हैं जादू किया हुआ है। ओके, वो हमारा शो स्टॉपर है। शो स्टॉपर आज। चलिए, लेट्स गो फर्दर। और यहाँ ये भी हम फीचर करते आए, ये भी हमारा रेगुलर है। चलिए, विल गो फर्दर। अब देखेंगे हम न्यू क्लासिकल एल कॉर्नर, जिसमें चेस्टरफील्ड होता है, वो न्यू क्लासिकल होते हैं, इनमें वुड कम होता है। स्ट्रेट लाइन न्यू क्लासिकल है ये, अगर आपको एल कॉर्नर चाहिए तो। ये भी ऑर्डर का है? हाँ जी।
चलिए ये देखिए इसकी कुर्सी घूमती है स्विल के साथ। ओके चलिए विल गो फर्दर नाउ। ये तो अब हम बताएंगे मॉडर्न क्लासिक क्या है। एक छोटा सा मॉडर्न क्लासिक का साइन बता दें फिर आगे चलेंगे। मॉडर्न क्लासिक जितने भी हैं रमणीक जी उनमें कलर पॉलिश का कलर जो है ब्राउन ही रखते हैं वो लोग जी। दैट इज मॉडर्न क्लासिक। मॉडर्न का मतलब आज की तरफ आने वाला। 90s के बाद में जो इंट्रोड्यूस हुए थे मॉडर्न क्लासिक्स उसमें गोल्ड और कलर पॉलिश जो शाइनी मटेरियल था वो कम हो गया और जो लोग लेने लगे नेचुरल ब्राउन में जैसे ये है तो ये है मॉडर्न क्लासिक। ओके प्लीज लेट्स टेल मी। ये तो मेरा हॉट केक है जी। अच्छा ये मेरा हॉट केक है मतलब इससे इस आइटम से मैं क्लासिक फर्नीचर फेमस हुआ है। एग्जैक्टली दिस इज वन पीस दैट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री आई नो ऑफ है ना। एंड मोर ओवर इसकी इतनी लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है इतनी कॉपी हुई है ये बना नहीं चाहिए। यू डोंट स्पेयर एनीबडी। हर वीडियो में आप इस बात को कहते हैं दिस पर्टिकुलर पीस हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। इनफैक्ट द मोमेंट आई सॉ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वेंट टोटली गागा ओवर इट बिकॉज आई कुड नॉट बिलीव समबडी कैन एक्चुअली क्राफ्ट समथिंग लाइक दिस बिकॉज आई थॉट लाइक हाउ इज इट पॉसिबल टू इंसर्ट अ स्टोन इन अ पीस ऑफ वुड। और ये लोगों से हुआ नहीं ये मेरा मार्बल मोल्ड है सिंगल पीस में है। इट इज इम्पॉसिबल किसी से नहीं हुआ ये। वेरी नाइस एंड प्रिंटिंग ने भी कॉपी करने की कोशिश की है यहाँ पे ज्वाइंटिंग होता है या ज्वाइंट है और ये फिनिशिंग नहीं ये होती। चलो मैंने किसी के बारे में नहीं मुझे अपना देखना है। हाँ नहीं ठीक बात है। हाँ और हम लोग बात कर रहे थे कि प्रिंटिंग भी मैं भी आपको एक और चीज़ देखनी होगी। हम अपने क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं कि प्लीज गेट सम आई फॉर डिटेल और एल्स यू गो टू अ स्टोर हु कैन मेक यू सी दिस। आई फॉर डिटेल कहते हैं कि मतलब और ऑल्सो देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड डेविल इन द डिटेल। जब आप डिटेल में जाएंगे किसी भी फर्नीचर यूनिट की उसकी डिटेल में आप जाएंगे तो आपको उसकी सारी कमियां दिख जाएंगी अगर होंगी तो। यस आप दूर से खड़े होकर देख लेंगे नहीं पता चलेगा। यू गो दिस हमने इसका कॉपी वर्जन देखा था उसमें सब कलर मर्ज हो गए थे आपस में। हाँ है ना मेरे ये सारे कलर ग्लो कर रहे हैं आपस में और सेपरेट अलग अलग दिख रहे हैं है ना। यस दिस इज वन कर्व्स नहीं है कर्व्स नहीं हो पाते दैट इज वन। सेकेंडली ये फ्रेंच कलर्स हैं तीन कलर्स हैं इसमें ग्रीन है पिंक है गोल्ड और शैम्पेन है। और ये ओरिजिनल कपड़ा कहीं मिल ही नहीं सकता ये हमारे पास ही मिलेगा। अच्छा काइंड ऑफ पेटेंटेड है आपके पास ये एक्सक्लूसिव आपके पास है ये फैब्रिक नहीं मिलता। और संजीव जी बाय गॉड ग्रेस भगवान की कृपा से जिस दिन से मैंने ये डिस्प्ले किया है आज तक मेरे पास इसके ऑर्डर होते हैं। कभी तीन ऑर्डर हैं पांच ऑर्डर हैं किसी का कैसा है किसी का कैसा है। सर एक बात बोलूं कि जो यूनिट्स आप बनाते हो ना वो सारे के सारे जो सारे क्लासिक्स हैं मॉडर्न क्लासिक है फ्रेंच क्लासिक है फिर लग्जरी क्लासिक है न्यू क्लासिक भी आता है चाइनीज़ क्लासिक भी आता है चाइनीज़ न्यू क्लासिक भी आता है आपके पास भी हैं कुछ वो ये एक्चुअली पता है क्यों रिपीट होते हैं आपके पास क्योंकि ये कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं 70 साल से हैं और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल मानते हैं आप। बिल्कुल चलिए और हम मेहनत बहुत करते हैं जी काम में। बाकी ये देखिए ये सारा सेट ये तो मेरा आपको मालूम है इसके साथ का क्रॉकरी मीरा सारा कुछ मेरा काफी कुछ ऑर्डर पे बनता रहा। ठीक है हो सकता है अगली बार इसका क्रॉकरी यूनिट भी आए। राइट ये हमारा ड्रेसर है इसको एज अ ड्रेसर यूज कर सकते हैं या एज अ कंसोल यूज कर सकते हैं। नो दिस इज नॉट अ ड्रेसर दिस इज अ साइड बोर्ड है। अब ये नीचे वाला जो पोर्शन है अगर आप ग्लास नहीं लेंगे तो ये बूफे काउंटर हो जाएगा। अच्छा ये LCD काउंटर भी यूज होता है। अच्छा ओके मिरर से वॉल डेकोरेशन के लिए है। इसमें भी ये देखिए मार्बल मोल्ड है। राइट मतलब दिस इज समथिंग एलिगेंट इनकम्पेरेबल एक्चुअली है। यस चलिए अब जाते हैं इसके एक और जो सबसे बड़ा पीस है इसका वो है सोफा जो डाइनिंग मतलब सॉरी ड्राइंग रूम इसका जो एंटायर ड्राइंग रूम सेटअप है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। यहीं से आपकी जर्नी शुरू हुई थी इसी से जर्नी है ना। और तो इसमें धीरे धीरे बढ़ाते गए हम ये नेस्ट ऑफ टेबल बनाए हैं फिर ये कंसोल बनाया काफी कुछ चलता रहा इसका। एंड दिस इज टाइमलेस डेफिनेटली टाइमलेस बहुत अच्छा है ये। चलिए ओके इसके हम प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि ये प्राइस इसके फ्लक्चुएट होते रहते हैं मार्केट में जिस तरह से डिमांड होती है उस हिसाब से। चलिए दिस अगेन लग्जरी काफ़ी सारे हैवी वर्क है। ये देखिए ये संजीव जी लेदर फिनिश है आपने कहीं देखा है लेदर फिनिश क्रैकल फिनिश होता था ये क्रैकल फिनिश नहीं लेदर फिनिश है। अच्छा ये ऐसे लगता है दूर से ये लेदर लगा हुआ ऐसा नहीं लगता ये पॉलिश है दिस इज लेदर फिनिश सुपर। ओके कॉपरली सोफा इसको बोलते हैं टब शेप में होता है दिस इज ऑल्सो लग्जरी सोफा एंड लग्जरी क्लासिक में आता है। ये लग्जरी क्लासिक का मतलब ये है कि काफ़ी हैवी वर्क होता है इसके अंदर। चलिए दिस इज नाउ वी आर कमिंग टू अनदर लग्जरी क्लासिक सोफा कलर्स आर फ्रेंच बट दिस इज ऑल्सो क्लासिक दिस इज मॉडर्न क्लासिक एज वी सेड ब्राउन में है ये दिस इज ऑल्सो लग्जरी क्लासिक मॉडर्न क्लासिक। मॉडर्न क्लासिक के बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ब्राउन कलर का जब भी आप टोन रखते हैं ना तो वॉल्स को रखते हैं एकदम स्लो सोबर एंड सिंपल सटल कोई ग्लॉस इसमें कहीं यूज नहीं होगा पूरे घर में। ये देखिए कितना डिसेंट सोफा है।
आई थिंक ये मॉडर्न क्लासिक होने की वजह से शायद आर्मी ऑफिसर्स में बहुत पॉपुलर है। यस यस, आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्विस ऑफिसर, है ना, आईएफएस जितने भी होते हैं, है ना, क्योंकि ये काफी मॉडर्न क्लासिक है। अब ये देखिए, ये हमने ये स्विंग के साथ बना दिया। सुपर्ब, आई लव द टेबल, बहुत अच्छा टेबल है इसका। टेबल में ऑनिक्स है, रियल बीच में, रियल रियल ऑनिक्स, वेरी नाइस। इसमें हमारे पास क्या क्या है, 322 है, 3-सीटर भी होगा ना इसका? ये पड़ा, अच्छा पीछे है वो, मतलब इसमें आप स्विंग भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, 3-सीट भी ले सकते हो। ठीक है, डन। एक चीज बड़ा मैंडेटरी है इसमें सर, कि जब भी आप कार्विंग के स्पेशली लग्जरी क्लासिक ले रहे हैं जो बड़े होते हैं साइज में, बहुत कार्विंग होती है, एंड टेबल के बिना मुझे लगता है इनकम्प्लीट है वो। नहीं, एंड टेबल के बिना इनकम्प्लीट है ना? Yes. तो हमेशा आपको एंड टेबल लेने चाहिए क्योंकि काफी बड़े होते हैं साइज में। अब इसकी आप एंड टेबल की फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी है। ट्रू, ये पॉलिश है, ये ब्रास है, ये मार्बल है, ऑनिक्स है, ऑनिक्स है, नेचुरल ऑनिक्स है। Exactly. और फील देखिए, बिल्कुल। ये लस्टर कैसे होता है? ये एंड में पॉलिस्टर डालते हैं, पॉलिस्टर से बहुत अच्छी तरह कटाई करके, मींस ये टाइम डिवोटिंग काम है। चलिए, विल गो फर्दर नाउ। अब हम एक और लग्जरी क्लासिक की तरफ जाएंगे, ये भी हम दिखाते रहे हमेशा हमारे व्यूअर्स को, ये भी काफी पॉपुलर डिजाइन है, थोड़ा सा हैवी है ये। अच्छा, ये हम जैसे लोगों के लिए होता है जिनको कि थोड़ा सा जैपनीज और स्कैंडिनेवियन स्टाइल का फर्नीचर पसंद होता है, बहुत लाइट होना चाहिए, स्पेस जिनके पास कम होते हैं वो ऐसे प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बीफी बल्कि नहीं दिखते, है ना। और विकर तो भी ट्रेंड में है, और वुड जो है वो भी इसमें डिस्ट्रेस फिनिश होता है, रॉ फिनिश होता है इसका। ये टेबल अलग अलग हो जाएगा क्या, सेपरेट इसका? हाँ जी, हाँ जी, ये 4-पीस में है। अच्छा, नाइस। इसको हाई ग्लॉस नहीं करना चाहिए वरना बेकार हो जाएगा। पूरा मैट है, इसमें कोई कलर नहीं डाला हुआ है। अच्छा, जो वुड का कलर है वही है बस। राइट, करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। चलिए, वील टेक अ टूर विद यू, ऐसे चलते हैं अभी हम जी। एंड टेबल्स भी फ्रेंच है, देखिए ये जो फिनिश है ना, दिस इज फ्रेंच, ये है लग्जरी। अब हम दिखाएंगे मॉडर्न क्लासिक, ब्राउन कलर के जितने भी होते हैं, दीज आर कॉल्ड मॉडर्न क्लासिकल। गूगल करके देखेंगे तो पता चल जाएगा आपकी ये मॉडर्न क्लासिक के फीचर्स क्या क्या होते हैं। एंड दिस इज, ये जो इसमें वॉलनट कलर होता है, ये अचीव किया जाता है या नेचुरल होता है वुड का? नहीं, कलर तो डलता ही है स्ट्रेनर। अच्छा, स्ट्रेनर डलता है। हाँ, प्लीज ले लीजिए। सो आज एक नए टर्म से आपको को वाकिफ कराया, एक्वेंटेड कराया, वो है मॉडर्न क्लासिक। मॉडर्न क्लासिक में हमेशा ब्राउन कलर का इस्तेमाल होता है और रियल वुड में ही अच्छे दिखते हैं ये, इनको किसी तरह के ज़्यादा कलर की ज़रूरत नहीं होती है। ये है मॉडर्न, और ये जो आप देख रहे हैं ये है कॉन्टेम्प्रेरी, है ना, मॉडर्न हाउस के लिए। ठीक है, चलिए, मॉडर्न हाउस के लिए ये है, एंड देन वन मोर क्लासिक, विल गो टू द शो स्टॉपर नाउ। ओके, आइए संजीव जी, आपको एक सेट दिखाता हूँ, मतलब ये मेरी जान है। जो कहते हैं ना हम फर्नीचर वाले, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द शो स्टॉपर, राइट? ओके ओके, ये मुझे लगता है कि ये वाव फैक्टर क्रिएट करेगा, ये वाव फैक्टर क्रिएट करेगा। ये वो चीज है जो एक दिल से बनती है, जिसको बनानी आती है। पहले आप इसको एक ओवरऑल दिखाइए व्यू इसका, राइट? इसकी पॉलिश देखिए, काम देखिए, क्लॉथ देखिए, सुपर्ब। क्या पैच है, लुक एट दिस, दिस कांट बी इंडियन, इट इंपोर्टेड होगा। ये मैंने टर्की से बनवाया है, ये सुपर से भी ऊपर है, जैसे वो एक शिल्पा शेट्टी वाला वो आता है ना, सुपर एक डायलॉग होता है, या डायलॉग, मतलब ये सुपर से भी ऊपर है। एक मिनट, ये क्या है, ये नया, ये देखिए संजीव, व्हाट इज दिस एक्चुअली? ये मैंने नया कंसेप्ट शुरू किया है। ये कैसे बनाया? ये नया कंसेप्ट शुरू किया मैंने, जो इसमें कपड़े में है ये देखिए, ये मैंने सेंटर टेबल में क्रिएट कर दिया। वाओ, ये मैंने मार्बल में क्रिएट कर दिया। ऑनिक्स है, ओरिजिनल ऑनिक्स नहीं, सेलेनाइट है, दिस इज सेलेनाइट, कैन यू बिलीव इट, मैंने सेलेनाइट में ये डिजाइन क्रिएट कर दिया। सेलेनाइट पे यू कैन नॉट प्रिंट एनीथिंग, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, और ये ऐसे ही रहेगा, सारा वॉशेबल है, ये हो गया। अच्छा, वाओ, दिस इज फ्रेंच डिजाइन, एंड फ्रेंच डिजाइन की जो वो होती है ना, टैपेटीज, क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, है ना, ट्रेपेटीज ऐसा कुछ बोलते हैं उनको, जो हैंडमेड फैब्रिक होता था ना यूरोप में, है ना, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, हम स्क्रीन पे लिख देंगे वो, और वो ये हाथ से बनता था। आई वाज सो ओवरवेल्म्ड दैट आई कैन नॉट रिकॉल दैट वर्ड। हाथ से लेडीज जो है इसको हाथ से बनाती थी फैब्रिक को, और ये वॉल हैंगिंग की तरह काम करते थे, है ना, और ये ब्रिटेन में काफी पॉपुलर है, उसको आपने यहाँ रेप्लीकेट कर दिया स्टोन के ऊपर। और ये देखिए काम देखिए इसका, इसी के साथ का ये कुशन है, कैन यू बिलीव इट, वाओ, ये कुशन देखिए, काम देखिए आप। अब ये मेहनत है, ये पैशन है, ठीक है,
और नॉर्मल सोफे ये ऐसे होते हैं ना, उसकी कुशनिंग, इसकी कुशनिंग भी देखिए आप जी, डिफरेंट तरह की कुशनिंग है, वेरी वेल डन। और फिर इसको आप साइड से दिखाइए, कोई भी चीज इसकी नॉर्मल नहीं है। फिर इसकी आप पॉलिश देखिए, और ये सारा यहाँ से लेके वहाँ तक सिंगल पीस में है। अच्छा। कहीं जॉइंटिंग नहीं है। दिस इज ओरिजिनल डिस्ट्रेस पॉलिश, इसको काम कहते हैं। फील दिस, दिस फील्स अमेजिंग। और ये देखिए पीछे इसके प्लेन कपड़ा नहीं है, ये भी सारी कुल्टिंग है। ये भी एक हाई एंड फैब्रिक है, सब तरह, ये बहुत हाई एंड फैब्रिक है, बहुत ही हाई एंड फैब्रिक है। जैसे आज हमने बात की थी, अभी हम इसकी और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि टाइमलेस फर्नीचर में, क्योंकि ये टाइमलेस है, ये आपके साथ जनरेशंस तक रहेगा, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका वुड प्रोक्योर ठीक हो, आपका सीटिंग ठीक हो, आपका वर्कमैनशिप अच्छा हो। वर्कमैनशिप की डिटेल हमेशा देखिएगा। अभी हम एक छोटी सी बात करेंगे, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को अच्छी ना लगे। अभी एक सर बैठे थे रमणीक जी के पास, वो कुछ कह रहे थे, मैं सुन रहा था, वो भी बताऊँगा अभी मैं, कि प्लीज़ डोंट डू दिस। आप प्लीज़ बहुत पोलाइटली कहूँगा उस मैसेज को, लेकिन पहले हम बता रहे थे कि फैब्रिक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। कोई भी फैब्रिक आप लेंगे क्लासिक फर्नीचर पे, वो कभी भी हाई एंड जितना रहेंगे, क्योंकि ये सब प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं। ये रन ऑफ द मिल ऐसे नहीं है कि आप किसी भी दुकान से जाके ले लें। मेरे पास जो फर्नीचर होगा, मेरा लग्जरी फर्नीचर है, प्रीमियम फर्नीचर है, राइट। अब ये सोफा एक बनने में एक जान लग जाती है दुकानदार, बिल्कुल। इसीलिए जो फैब्रिक पे मेरा सर थोड़ा सा टेंशन था, ये जो फैब्रिक के पैचेज होते हैं, इंडिविजुअली एक एक पैच आता है इसमें इम्पोर्ट होके, और बाकी जो फैब्रिक प्लेन भी लगा हुआ है वो भी 2,000-2,500-3,000 रुपए मीटर में आता है। ये मैंने 3,200 रुपीस लिया जी पर मीटर। पर मीटर, अच्छा। दिस इज समथिंग 8,000 पर मीटर, पर पैच। ओके, पर पैच, ठीक है जी। फिर इसको क्रिएट करना जी, फिर सबसे बड़ी बात है इस सेंटर टेबल को पैदा करना। मतलब ये चीज मेरे ख्याल से आज तक कहीं नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोफे के कपड़े को सेंटर टेबल में मार्बल में क्रिएट कर दिया, और वो अपने आप में खुद एक बहुत एक्सपेंसिव सब्सटेंस है, सेलेनाइट है ना, वो भी महंगा है काफी। ये बहुत महंगा है। सबसे बड़ी बात होती है संजीव जी, पैसा सारे बंदे लगा देते हैं, उसको प्रेजेंट करना भी, कौन प्रेजेंट कर रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, चीज की लुक कैसे आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। ये ऑर्डर का है या डिस्प्ले का है? ये मैंने डिस्प्ले के लिए बनाया है, और जो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे बन जाएगा। लेकिन जो इसको, जब भी इसका ऑर्डर आएगा, कम से कम 3 महीने का टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने। ओके, मिनिमम मिनिमम। हमारे पास अभी रेडी में 3111 है। अभी मैंने वो कंसेप्ट छोड़ दिया, 322 वाला कंसेप्ट छोड़ दिया। क्यों ऐसा? अभी ये इसकी 4 चेयर्स हैं, ठीक है जी। एक इसका ये 3 सीटर है। अच्छा अच्छा। मैंने ये सिंगल सीट पे कुशन नहीं रखा, क्योंकि अगर इसमें कुशन रखता तो इसकी बैक वाली डिजाइनिंग खत्म हो जाती। यू मेक सेंस। जो इसका जो पैच वर्क है, अब द मेन थिंग इज वर्कमैनशिप। और इसकी साइड टेबल का साइज देखिए आप, ऐसे लगता है जैसे ये प्लास्टिक है, राइट। मतलब इतनी इतनी अच्छी पॉलिश हुई है, इतना बारीक काम हुआ हुआ। बिल्कुल। उस वाली बात को कंटिन्यू करते हैं बहुत पोलाइटली, कि अभी जो सर आए थे और बात कर रहे थे आपसे, उन्होंने कहा था कि कार्विंग फर्नीचर के प्राइस के बारे में, उन्होंने ऐसे ही बोला रैंडमली, और वो खुद भी कन्विंस थे कि 7,000 रुपीज पर सीट नहीं होता है, ही वॉज सरप्राइज। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को हम बता दें कि किसी भी हालत में 7,000 रुपीज का तो फैब्रिक लगता है एक सीट में, 7,000 का तो पॉलिश भी मुश्किल से होता है। 7,000 का पर मीटर, क्योंकि सोफे पे 2.25 मीटर ढाई मीटर कपड़ा लगता है जो नॉर्मल सोफे होते हैं जी। अगर आप 2,000 रुपये मीटर का कपड़ा भी लगाएं, वो भी तकरीबन 7,000-7,500 का कपड़ा बैठता है। करेक्ट बात है। एंड दीज आर ऑल, एंड देन उसके बाद में पीयू है, फिर स्ट्रक्चर है, फिर पॉलिश है, फिर वर्कमैनशिप है। मेरी बात नहीं समझे संजीव जी। सपोज मेरे को आप इसका ऑर्डर दोगे, अगर ये सोफा ही मेरा मतलब 70 डेज में बने, 80 डेज में बने, एक सेट को बनने में इतना टाइम लग जाता है। पहले इसकी लकड़ी लेंगे, कार्विंग हो गया, अब इसका काम देखिए कितना बारीक है। बिल्कुल। और कितना बारीक काम है, कितनी फिनिशिंग है। कि इसमें देखिए ना, बहुत कम ऐसा होता है कि एक फ्लैप ऊपर जा रहा है, एक फ्लैप नीचे, फिर एक फ्लैप ऊपर, दूसरा वाला नीचे, वही तो पॉइंटेड। और सबका साइज एक जैसा है, और फिनिशिंग देखिए। बिल्कुल। अब ये गोल्डन है, ये गोल्डन आंखों को नहीं खा रहा, दिस इज अ सेटल गोल्डन, ये लग नहीं रहा गोल्डन है। बिल्कुल ठीक बात है। दिस इज सिंगल पीस, और कितना भी मूवमेंट से आप इस पे हाथ घुमाएं, इट विल नेवर हर्ट यू। या दैट्स द बेस्ट पार्ट। यस, दिस सेफ, इट सेफ है। अब ये की यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल पीस है, कोई जॉइंटिंग नहीं है, देखिए। बिल्कुल। अब इसको कहते हैं क्वालिटी। ठीक बात है। अब लोग कॉपी तो बहुत करते रहते हैं, वो इस रेट है, इस रेट है। बात तो है पहले कौन शुरू करता है। मुझे लगता है कोई भी एवरेज भी, एवरेज प्राइसिंग जो मेरा अंदाजा है, व्हाटएवर लिटिल मार्केट आई हैव सीन ऑफ, एवरेज इज 20,000 रुपीज तो मिनिमम स्टार्टिंग होना चाहिए कार्विंग के यूनिट का, पर सीट मिनिमम, जिसको क्वालिटी लेना। हाँ,
है ना, जो ओरिजिनल इट कैन गो अप टू 40-50,000 रुपीस पर सेट। नहीं नहीं, बहुत उससे भी उससे ऊपर है, उससे ऊपर जाते हैं। हमने टर्की में एग्जीबिशन में एंट्री किया था, हमारे व्यूअर्स को हमने वो वीडियो में दिखाया भी था, दे डिड नॉट अलाउ मी टू शूट। वहाँ पे एक डाइनिंग सेट था सेम कलर में, गोल्ड नहीं था उसके अंदर, ग्रीन कलर में ही था, ऑलिव ग्रीन पूरा डाइनिंग सेट था। एंड आई आस्क्ड हिम द प्राइस, उसको मैंने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया, सो इट वॉज कॉस्टिंग अराउंड 72 लाख रुपीज। लेट्स गो फर्दर, चले आगे चले। माई दिस इज सोफा इज ऑल्सो कॉस्टली, इसमें इसमें जान लगी, इसको मेहनत है, इसमें टाइम लगा है, इसमें जो काम है, जो लकड़ी है, जो काम है, अब ये जो लकड़ी है 2.5 इंची में है। मैं तो बोलता हूँ सर, अगर बजट नहीं है ना, मतलब मेरे जैसे लोगों के पास, मेरा दिल बहुत है इसको लेने का लेकिन मेरा बजट नहीं है, तो मैं क्लासिक में जाऊँगा ही नहीं, आई गो फॉर स्ट्रेट लाइन। अच्छा संजीव जी, मैं एक और बात बताऊँ फिर मैं भूल जाऊँगा, ये जो कार्विंग के सोफे होते हैं, जो अच्छा दुकानदार होता है वो 2.5 इंच 2 इंच में बनता है, 3 इंच में भी बनता है। जो सस्ते सोफे होते हैं ना, जो कहते हैं वहाँ इतने का मिलता है, वो 1.25 इंची लकड़ी होती है, 1.5 इंची लकड़ी होती है। थिकनेस कम कर देते हैं, थिकनेस कम कर देते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये 2.5 इंची लकड़ी है, ये प्रॉपर साइज होता है। ठीक बात है, खैर हमने तो कभी अंडर साइज कुछ काम ही नहीं किया। चलिए, ये दिल है, दिल, आई कैन इमेजिन। आपने काफी इसमें इनोवेशन किया है, बहुत इनोवेशन किया है जी, जान लगाई है मैंने इसमें। अच्छा, दिखाएंगे हम नीचे, बस एक बार ओवरऑल लुक ले लो, बेड अलमीरा है जी। ये वाला बेड तो हम पहले दिखा चुके हैं कार्विंग में, ये मेरा चलता रहता है जी। अच्छा, अब इसकी अलमीरा भी है। अच्छा, अलमीरा बन गई इसकी। हाँ, ओके, ऑर्डर भी है किसी की। ऑलराइट, सो अब हम प्रोसीजर की बात करेंगे रमनिक जी के साथ में, कि काफ़ी सारे लोग हैं, हम आपके पास दो तरह के क्लाइंट्स हैं, प्रोडक्ट दिखाते जाते हैं और आपसे काम की बात करते जाएंगे अभी, कि जो लोग आपके पास आते हैं कौन कौन लोग हैं, वो सिंगल यूनिट बायर ज्यादा हैं कि पूरे घर का करना है? नहीं, मेरे पास आज के टाइम में पूरे घर का है। अच्छा, पूरे घर के। और जिसने बस क्वालिटी लेनी है। ओके, तो आप प्लीज़ कम, बात करते जाएंगे अभी हम, और आपसे पूछेंगे कि वो डिज़ाइंस आपको अपने देते हैं या उनको? नहीं, डिज़ाइंस मेरे होते हैं, टोटली माइन। अच्छा, तो मतलब सपोज आई एम लिविंग इन राजमुंदरी तेलंगाना, है ना, अभी आई डोंट नो, आंध्र प्रदेश आई गेस, और मैं आपके पास आता हूँ कि मुझे पूरे घर को डिज़ाइन करना है, तो आप अपने अवेलेबल डिज़ाइंस में से उनको कुछ डिज़ाइंस दिखाएंगे मुझे? हाँ, वो भी दिखा देते हैं, अगर उनके पास कोई अपना डिजाइन है तो वो भी बन जाता है, लेकिन मोस्टली जो मेरे डिजाइन है लोगों ने वही लिए हैं। अच्छा, अगर उनको चाहिए किसी का अपना है, वो खुद का बन जाएगा। ओके, ठीक है, डन। और चलिए प्लीज कम दिस साइड। हाँ, बस ऐसे मुझे बेड दिखाइए, बेड दिखा दीजिए, और एक दो चीजें मुझे बताएं कि अब स्केल्स की बारी आएगी। कुछ लोगों के पास अपने डिजाइन के साथ साथ स्केल्स रेडी होते हैं, यानी कि उनके पास उनके साइजेस रेडी होते हैं। जिनके पास रेडी नहीं होते उनके पास आप पर्सनली विजिट करते हैं? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, एक और कलर पॉलिश दिखा दें, आज मुझे लगता है मेगा एपिसोड हो गया ये। लुक एट दिस, दिस इज इन ब्लू गोल्डन, वाओ। चलिए, विल गो लिटिल क्लोज। हाँ चलिए, कम जी। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ये नॉर्मल कोर्स में आपने गोल्ड में देखा होगा, पॉलिश करने के बाद में इसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया। रमनिक जी फोन पे बात कर रहे हैं, उनकी आवाज अगर आपको बीच में सुनाई दे जाए। हाँ जी, तो ये भी ना बाई चांस ही हो गया, नहीं मेरा हुंदा नहीं हुंदा कदे। ओके, सो सर की बातें भी रिकॉर्ड हो रही है प्रॉपरली, कोई टेंशन नहीं। चलो मेरे ना वो वीडियो। एंड दिस वन, ये तो बहुत फेमस पिंटरेस्ट का डिजाइन है, हमने बना दिया इसको। अब ये 4 इंची लकड़ी में है। बिल्कुल, इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये ऑर्डिनरी पीस नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, this is not run of a mill, not a run of a mill product, this is extremely expensive and heavy, kyunki aap iska side se dekhiye curvaceous aur uski thickness dekhiye kitni hai, ye dekhiye ye kitna thick hoga, 4 inch lakdi mein hai ji, right, aur aage bend bhi hai, tapering bhi hai isme, hai na। chaliye quickly chalenge, abhi pricing ke bare mein hame bata dein ki hum hamara bed ka starting price kya jata hai sir, ek idea सर? हमारा बेड का स्टार्टिंग प्राइस यही 80,000 1 लाख से शुरू होता है, और पर सीट हमारा जो सोफा का स्टार्टिंग प्राइस 25,000 से पर सीट शुरू होता है। अच्छा, नॉट वेरी एक्सपेंसिव ना, बहुत ऐसा नहीं है। बाकी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ले रहे हैं, क्या उसमें कस्टमाइजेशन करा रहे हैं। रमनिक जी ने बोला था थोड़ा सा शूट करना, लेकिन हमने पूरा शूट कर लिया, अब हम इसको एडिट करके छोटा नहीं करने वाले। हाँ, अभी आपको एक मैं सोफा दिखाऊं जी। देखिए, आप भी अभी फ्लो में जा रहे हैं। चलिए, विल गो लेट्स फास्ट, ऑर्डर का है, चलिए एकदम से यहाँ देख के याद आ गया। ओके, ठीक है, ये भी एक बेड है। हाँ, ऑलराइट, ये बेड बहुत सुंदर है, आई लाइक दिस। अच्छा है, इसमें कितने कलर पॉलिश है? इसके अंदर गोल्ड के 3 वेरिएशन है, व्हाइट के 2 वेरिएशन है, और सिल्वर भी है। ये देखिए, ये ऊपर जो हमने सोफा देखा था उससे मैचिंग है क्या ये? अच्छा, ब्रेड्स भी है इसमें फ्लावर्स के, मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी जेपेंटी। अब ये देखिए जी, सो बिजी, ये थोड़ा सा ज़्यादा बिजी है, कोई बात नहीं। ये है, ये बाहर का है, एग्जॉटिक मार्बल है। हाँ,
अच्छा ये किसी का ऑर्डर का है जी, ये वो चेयर जो दिखाई दी और उसी के साथ का ये मैंने सोफा बनाया। अच्छा, आप शुरू में बता रहे थे कि ये देखिए काम देखिए कितना अच्छा है। वेरी नाइस, व्हाई डोंट यू सिट ऑन दिस, लेट मी सी हाउ डू यू लुक। बैठिए, वीडियो वाइंड अप करेंगे यहाँ पे, बनने के बाद ये देखिए इस तरह का लगता है। ग्रेट, ये देखिए लुक एट द साइज, है ना, वही तो है, वही तो क्वालिटी है। तो अब हम एक दो छोटे छोटे और सवाल आपसे पूछेंगे। अभी जो लोग इंडिविजुअली एक दो यूनिट ढूंढ रहे हैं, मतलब 322 किसी को चाहिए या फिर 311 चाहिए, वो भी आप कर रहे हैं क्योंकि आप मोस्टली कॉन्सेप्ट हैं? हाँ जी, नहीं कर तो सारे ही रहे हैं जी। ठीक है, वो तो बाय चांस अभी सारे घर के यूनिट्स आ रहे हैं। अच्छा, कर तो लोग एक एक दो दो पीस सिंगल ले ही रहे हैं, हमारी तो दुकानदारी है जी, बेचना तो है ही हमने। वो तो अपना काम है, काम तो है ही अपना। ठीक बात है, चलिए। एंड जितने भी हमने प्रोडक्ट दिखाए थे, दे ऑल आर अवेलेबल फॉर पेन इंडिया डिलीवरी। फॉर प्राइस एंड अदर डिटेल, प्लीज गेट इन टच विद रमनिक जी, नंबर इज बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। I personally recommend you come to the store and check the quality. Trust me, what we could capture in camera is just half of it. Right? इसका कई टाइम्स ऊपर होता है, कैमरा में तो हम कैप्चर भी नहीं कर पाते। ठीक है सर, बिल्कुल सर। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड लॉट ऑफ लव फ्रॉम क्लैप्टर फैमिली मेंबर। थैंक यू।